हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे दोस्तों, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया ने BA BSc BCom पार्ट 3 की नामांकन तिथि घोषित कर दी है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि नामांकन की प्रक्रिया जो है ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, ठीक है। ये डेट जो है अंतिम डेट कब तक प्रकाशित की गई है, तो आप सभी अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूर्णिया यूनिवर्सिटी की प्रत्येक न्यूज़ सबसे पहले आपको दी जाती है, ताकि आप सभी छात्र छात्राएं घर बैठे अपडेट रह सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मैंने अभी पार्ट 3 साइकोलॉजी ऑनर्स का वीडियो अपलोड किया है। आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर साइकोलॉजी ऑनर्स का वीडियो अवश्य देखिए। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर का वीडियो अपलोड है, और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। PDF से यदि आपको बेहतरीन वीडियो लगता है, वीडियो देख सकते हैं, या PDF देख सकते हैं। PDF आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। टेलीग्राम में से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम में आप कोई भी सवाल का जवाब भी पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं। तो आप भी जाके अवश्य जुड़िए टेलीग्राम में, और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए वीडियो को दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑफिशियल नोटिस पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया की तरफ से प्रकाशित की गई है। 12 जुलाई 2021 को यदि आप भी BA BSc BCom पार्ट 3 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी का सेशन जो है 2018 से 2021 है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं, उपरोक्त संदर्भित विषय के संबंध में निर्देश अनुसार सूचित किया जाता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जो है पार्ट 3 का नामांकन जो है वो स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। परंतु फिर से मतलब नई तिथि प्रकाशित की गई है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। अतः स्नातक पार्ट 3 यानी कि BA BSc BCom पार्ट 3 सेशन 2018 से 2021 का नामांकन दिनांक 12 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक पुनः निर्धारित किया जाता है। जी हाँ, 12 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आप अपना नामांकन ले सकते हैं। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला छात्र छात्राओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, ठीक है। और आप लोगों के मन में एक शंका होगी कि ये एडमिशन जो है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि COVID-19 के गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाता है। मतलब कोविड-19 का पालन करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया ऑफलाइन होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं कि 12 जुलाई से 20 जुलाई तक आप अपने कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल ऑफलाइन। और मैं बताऊंगा कैसे आप ऑफलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ऐड होकर आप अपना एडमिशन फी वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी पूछ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे छात्र संगठन, वो विद्यार्थी हैं और सर लोग भी जुड़े हुए हैं, तो कोई भी जानकारी आप वहाँ से पा सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करें और वहां पे ऐड होकर सारी समस्या का समाधान पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।